जो लोग काम सीखे हुए कंपनी में काम करते हैं, जो लोग काम नहीं सीखे हुए या तो हेल्पर रहते हैं या तो इस लाइन में आते हैं। तो कोई भी काम बुरा नहीं है दोस्तों, आप इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं कुवैत में हूँ, हमेशा बताता हूँ, और कुवैत से संबंधित सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि कुवैत अगर मजरे में हम आते हैं तो मजरे में क्या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और काम सीखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप किसी मजरे में किसी भी मजरे में आते हैं काम करने के लिए, मजरा बहुत प्रकार का है, चार पांच प्रकार का है। एक तो कुवैत का मतलब ऊँट मजरा है, और एक सब्जी वाला मजरा होता है, और एक खजूर का मजरा होता है, बकरी का मजरा होता है, तो बहुत सारा मजरा है। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूँ दोस्तों, तो फ्रेंड मजरे में आने के लिए पढ़ा लिखा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपकी एज 21 साल के ऊपर होनी चाहिए और आपके पास काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुवैत में या किसी भी कंट्री में आप आते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपके पास मतलब यहाँ पे क्या होता है कि काम इंडिया में जिस तरह होता है, जिस तरह सेम इधर ही भी होता है, लेकिन यहाँ पे काम अपने मर्जी से नहीं होता है, इनके मर्जी से होता है। तो आपको सबसे पहले अगर कभी भी किसी भी मतलब जगह आते हैं मजरे वगैरह में, तो आपका पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, बस काम का मतलब थोड़ा बहुत अपने एरिया में मतलब कहीं इंडिया में अगर काम किए हैं तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें काम करने के तरीका जो है कि यहाँ पे अपने मर्जी से नहीं होता, जो सब कुछ ये लोग बताते हैं उसी के हिसाब से काम होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे काम के बिल्कुल अनजान रहते हैं। तो बस आपके पास थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए कि आप यहाँ पे आके कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस काम को देख के डर जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत परेशानी होता है इस काम में, डर जाते हैं लोग। तो इसमें दोस्तों यही सब चीज़ें हैं और कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर कंट्री के लोग काम करते हैं, ऊँट बकरी में, मजरे में, मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं, जितने मुझे लगता है जितना लोग सिटी में काम करता है उतना ही लोग इधर आउट एरिया में काम करते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना काम है, आप सबको अपना अपना जैसे चीज़ है कि वो समझ सकते हैं कि वो हम लोग अपना काम, मैं ये कर सकता हूँ, वो लोग वो कर सकते हैं। जो लोग काम सीखे हुए कंपनी में काम करते हैं, जो लोग काम नहीं सीखे हुए या तो हेल्पर रहते हैं या तो इस लाइन में आते हैं। तो कोई भी काम बुरा नहीं है दोस्तों, आप इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। बस फ़र्क ये दोस्तों कि कंपनी में आपको ओवर टाइम मिलता है, इसमें ओवर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी ओवर टाइम इसलिए देती है उनके पास काम ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे ओवर टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वही काम है सुबह से शाम तक, इनको खिलाना पिलाना देखना। तो ये सब यही सब चीज़ें होता है दोस्तों, इसमें कोई छुट्टी वगैरह नहीं मिलता है फ्रेंड। और सैलरी की दोस्तों बात करूँ तो सैलरी इसमें दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, सैलरी कितना रहता है इसमें, 70 रुपये पर भी काम करते हैं, 70 दिनार पर भी, 80, 90, 100 पे भी, तो ऐसा है। कुछ लोग दोस्तों 110 पे भी शुरू शुरू में आते हैं, कुछ लोग 90 पे ही, कुछ 70 लोग पे, इस पर कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगा आप जब भी आए तो मैक्सिमम 100 केड़ी आपकी सैलरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप आने के बाद आप यही बोलोगे कि दोस्तों मतलब सैलरी मेरा कम है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये है वो है, काम के हिसाब से सैलरी नहीं है। तो दोस्तों जब भी आए, कभी भी आए मजरे में, आए किसी भी मजरे में, तो सैलरी मैक्सिमम कम से कम 100 केड़ी होना चाहिए, जो कि इंडिया में लगभग आपका इस समय 27,000 रुपये बन जाएगा, क्योंकि इस समय एक दिनार का 2,700 रुपये बन रहा है। तो आप उसे जोड़ लीजिए, 100 दिनार का 27,000 रुपये होगा। तो आप देख सकते हैं मैं कुवैत के मजरे में हूँ, मैं बार बार पीछे दोस्तों इसलिए ताक रहा हूँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर गाड़ी सफ़ेद सी दिख रही होगी। तो मेरा कपिल आया हुआ है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि वो रहता है तो वीडियो बनाने में मुझे डर लगता है। तो मैं सारी चीज़ें वीडियो में थोड़ा सा चुपके बनाता हूँ, उसको मालूम है कि मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन उसके सामने वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मजरा है, और कुवैत में अभी मेरा सारा ऊँट सब चरने गया है, और कुछ ही ऊँट है आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है जिसके अंदर हम लोग ऊँट को डालते हैं। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। और ये टैंकर है, टैंकर से पानी आता है, और हम लोग जहाँ रहते हैं फ्रेंड आप देख सकते हैं वो बड़ा बड़ा गुफा दिख रहा होगा उधर, उसी में हम लोग रहते हैं, और इसमें घास वगैरह भी रहता है, पानी उनी का सारा व्यवस्था इधर है, पानी सब कुछ इधर फ्रेंड ये लोग खुद मंगाते हैं, और इसी को पानी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पीते भी हैं, खाना पानी सब कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों पानी यहाँ बहुत महंगा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, वीडियो का यहाँ तक देख रहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।